हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड जो क्लास टेंथ के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। उसी का एक हिंदी गोधली भाग दो है जिसका गद्य खंड के बारे में बात करेंगे। चैप्टर जो थर्ड है क्या है, चैप्टर थर्ड का नाम क्या है कि भारत से हम क्या सीखे। इस चैप्टर की जितने महत्वपूर्ण जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसके बारे में हम पूरा डिटेल करके आपको समझाने वाले हैं और इससे बीच बीच में आपके कुछ ऑब्जेक्टिव ही इससे आपको क्लियर हो जाएंगे मेरे दोस्त। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपकी पूरी अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए और रटने का कोई झंझट नहीं रहे इसका। इसे आप एक से दो बार इसको देखिएगा वीडियो को, तो आपको पूरा अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त याद हो जाएगा। या आप इस क्वेश्चन आंसर को स्क्रीनशॉट करके आप उसको अपने नोटबुक में लिखकर तब याद ही कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो पहले इसके बारे में हम समझते हैं कि भारत से हम क्या सीखें। तो इसके पहले लेखक का नाम क्या है, तो मैक्स मुलर है। अब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक का क्या नाम है, तो मैक्स मुलर। और इनका जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है, विलहेल्म मुलर ने। इनकी मृत्यु है 28 अक्टूबर 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या आता है मेरे दोस्त, उसको समझते चलेंगे, पूरा डिटेल करके हम आपको यहां पर समझाने वाले हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या है कि समस्त भूमंडल में सर्वविदा और संपदा, यह जो समस्त भूमंडल है इसमें सर्वविदा संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। यानी यह जो पूरी पृथ्वी है इस पर लेखक ने सिर्फ भारत के बारे में ही जिक्र क्यों किया है, इसके बारे में आपको है। तो इसका आंसर हम लोग समझते चलेंगे कि समस्त भूमंडल में सर्विदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश क्या है, तो भारत है। यानी क्या है, समस्त भूमंडल में सर्विदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है, तो भारत है। लेखक ने ऐसा कहा है कि क्योंकि यहां की धरती पर स्वर्ग सी छटा बिखेरती है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है कि यहां के जो भारत की जो धरती है यहां पर स्वर्ग सी छटा बिखेरती है। यहां की प्राकृतिक वातावरण इतना मनमोहक लगता है कि जैसे स्वर्ग के समान सुंदर है। यहां की जो प्राकृतिक जो वातावरण होती है, बड़े बड़े पीपल के पेड़, गाछ वृक्ष, यह सब जो यहां पर जो हवाएं चलती है, यहां के लोगों का रहन सहन, खान पान, यहां के लोगों की जो संस्कृति है, इसको देखकर लेखक को यह एक स्वर्ग से जो सुंदर छटा बिखेरती है ना, लेखक को उस तरह का यहां पर महसूस होता है, आभास होता है। इसलिए लेखक ने इस तरह की बात कही है मेरे दोस्त। चले तो दूसरा नंबर जो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहां हो सकते हैं और क्यों। जो लेखक मैक्स मुलर है उनकी दृष्टि में, आपको लेखक की दृष्टि में बोलेगा क्वेश्चन, या क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहां हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। इसको समझते चलेंगे कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन यहां का मतलब कि भारत के गांव में और गांव के नागरिकों में हो सकता है। यानी जो लेखक के अनुसार है कि सच्चे भारत का दर्शन जो है गांव में, भारत के गांव में और गांव के लोगों में हो सकता है, क्योंकि गांव के लोग निश्चल होते हैं, यानी किसी के छल कपट नहीं समझते। ये सभी हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते हैं, दुख में भी सहयोग करते हैं और सुख में भी सहयोग करते हैं। यानी यह एकदम बहुत बेहतरीन बात यहाँ पे लेखक ने बताई है। क्या है इसका आंसर को फिर से समझेंगे कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांव में और गांव के नागरिकों में हो सकते हैं, क्योंकि गांव के लोग निश्चल होते हैं, ये सभी हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में क्या रहते हैं, तो सहभागी बनते हैं। ये दूसरा नंबर प्रश्न हो गया। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। यानी किन क्षेत्र में जो व्यक्ति रुचि रखते हैं उनके लिए भारत के यह जो ज्ञान है यहाँ पे लेखक ने उसके आवश्यक यानी प्रत्यक्ष मान बताया है, उसके आंसर को समझते चलेंगे। क्या है, लेखक मैक्स मुलर ने अनेक क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान बताया है। जो हर एक क्षेत्र में रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है, उस सभी के लिए इन्होंने भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान उनको आवश्यक बताया है। कि उन्होंने वनस्पति विज्ञान, मानव शास्त्र, कानून, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, पुरातत्व आदि विषय में रुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। इन सभी चीजों में जो रुचि रखता है उनके लिए भारत का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वह आवश्यक है, यानी जरूरी है।
तो अगला नंबर चार नंबर प्रश्न है, क्योंकि मेरे दोस्त यह जो प्रश्न है ना आपके बुक से इधर उधर से होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बुक में ज्यादा क्वेश्चन है, 5, 10, 15 भी हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर से जो थर्ड चैप्टर है मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखे चैप्टर का नाम है, जिसके लेखक मैक्स मुलर जी है, इस पाठ से जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं उससे सभी प्रश्न को हम केवल डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो चार नंबर क्या क्वेश्चन क्या है कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों, तो वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना कौन सा है उसके बारे में समझेंगे। लेखक मैक्स मुलर ने कहा है कि जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, लेखक का कहना है कि उस समय की बात है जिस समय भारत का जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, क्या है भारत का गवर्नर जनरल, तब वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा एक घर उनको मिला था। वारेन हेस्टिंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल में सेवा में यह समझकर भिजवा दिया कि उनके द्वारा दिया गया सर्वोच्चम उपहार है, यानी जो भारत का जो गवर्नर थे, कौन है गवर्नर का नाम क्या है, तो वारेन हेस्टिंग्स, उनको एक 172 दारिश नामक सोने का सिक्का से भरा एक घर मिला था, उन्होंने किनको दिया, दे दिया यह गिफ्ट करवा दिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को करवा दिया, क्या सोचकर कि हाँ यह जो उपहार है यह उपहार के तौर पर सबसे बड़े सर्वोच्चम उपहार के तौर पर यह देखा जाएगा माना जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं हुआ होगा और कंपनी की नजर में उनका सम्मान बढ़ जाएगा, यानी जो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स यह बात भी सोचे कि उनकी नजर में मेरा सम्मान बढ़ जाएगा, लेकिन यह सब पूरा बिल्कुल गलत हो गया, लेकिन अंग्रेज सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व समझे बिना ही गला दिया, उसका ऐतिहासिक महत्व कुछ समझा ही नहीं उसको गला दिया, ठीक है। जब हेस्टिंग्स वापस इंग्लैंड लौटे तो उन सिक्कों को नहीं पाया तो वे काफी दुखी हुए, जब वो हम आए तो देखे कि भैया वो सिक्के का घर यहाँ पे नहीं है तो वो काफी दुखी हो गए, तो उन्होंने बताया कि मैक्स मुलर इस घटना को उल्लेख इसलिए कहा है कि भविष्य में ऐसी गलती कोई दोबारा ना करे। फिर आगे पांच नंबर प्रश्न क्या है कि धर्म की दृष्टि में भारत का क्या महत्व है, जो धर्म है धर्म के दृष्टि में भारत का महत्व क्या होता है, उसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, पूरा आपको डिटेल करके हम आपको समझा रहे हैं, इस वीडियो को 2-3 बार जरूर कर देखिएगा मेरे दोस्त, जिससे आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सही प्रश्न आपको आसानी पूर्वक मेरे दोस्त याद हो जाएंगे। तो अगला नंबर प्रश्न जो पांच नंबर है इसका आंसर क्या होगा कि धर्म की दृष्टि में भारत का जो महत्व है, महत्व बताते हुए लेखक ने कहा है, क्या कहा है कि धर्म का वास्तविक उद्भव उसके प्राकृतिक विकास और श्रीमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय भारत में मिलता है, यह भारत का ब्रह्मिष्ट धर्म वैदिक धर्म तथा बौद्ध धर्म की जननी है और पारसी धर्म की क्या है तो शरण स्थली है। कौन कौन धर्म की जननी है, तो ब्रह्मण धर्म वैदिक धर्म बौद्ध धर्म की जननी है और पारसी जो धर्म है उसके जन्म स्थली यहां पे है। फिर अगला जो लास्ट में प्रश्न है 6 नंबर, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों, जो लेखक है मैक्स मुलर जी है वो नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों कहा है, तो लेखक ने नया सिकंदर भारत को जानने समझने एवं इससे संपूर्ण लाभ प्राप्त करने होती, जो भारत को जानता है समझता है इससे जो लाभ प्राप्त कर सकता है करने हैं, तो यहां पर्यटक के रूप में आने वाले लोगों को उन्होंने क्या बोला है तो सिकंदर कहा है। यह जो चैप्टर है चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे जिसके लेखक का नाम है मैक्स मुलर, इस चैप्टर से हम 6 ऐसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बताए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग अच्छे प्रकार से यहाँ पे लिख लीजिएगा और पूरे अच्छे प्रकार से इसको याद कर लीजिएगा, और मैं लगातार आपको वीडियो दे रहा हूँ, इससे पहले 1 और 2 चैप्टर दोनों का चैप्टर का मैंने वीडियो दे दिया हूँ, इस चैप्टर का 3rd वीडियो है, अगर नहीं देखा है तो आप जैसे जाइएगा हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके उसको वीडियो के वीडियो लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे उस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, वह चैप्टर को आप पूरी अच्छे प्रकार से देखते हैं मेरे दोस्त उसको अच्छे प्रकार से लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन भाषा में एकदम बहुत शॉर्ट भाषा में इसका आंसर भी शॉर्ट है और आपको पूरा डिटेल करके इस वीडियो में इस क्वेश्चन आंसर को मैं आपको समझा दिया हूँ मेरे दोस्त। अगर जब आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।